हाँ नमाज में अगर हमारे से गलती हुई तो सजदा करने का तरीका क्या है? जी, नमाज में के साथ आपकी आवाज साफ नहीं है सैयद साहब, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं आप? नमाज में, नमाज में अगर जमात के साथ अगर नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हमारे से कुछ गलती हो गई तो सजदा सहू का तरीका क्या है? अगर आप मामूम हैं यानी मुक्तदी हैं और आपसे कोई गलती है तो आप पर सजदे सहू नहीं है क्योंकि आप इमाम के पीछे हैं। जी जी शेख हाँ जी भाई, वाज़े हुआ सैयद भाई आपके लिए? हाँ, वाज वाज है। शुक्रिया शेख, जज़ाकअल्लाह खैर, बारकलाह। अगर कोई शेख जैसे वाजिब या रुकन छोड़ दें तो? अगर किसी इंसान ने ये थोड़ा तफसील आपने पूछा, बहुत अच्छा। जी अगर किसी मुक्तदी ने रुकन छोड़ दिया जी चाहे गलती से या जानबूझ करके, जानबूझ करके छोड़ना तो जुर्म है, गलती से छोड़ेगा तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा लेकिन नमाज नहीं होगी उसकी, वो रकात नहीं होगी। और अगर जानबूझ करके छोड़ा है तब तो गुनहगार भी होगा जानबूझ करके छोड़ने पर, जी और उसकी नमाज भी नहीं होगी। ये रुकन का मसला है। और अगर किसी ने वाजिब को जानबूझ करके छोड़ा है, वाजिब को जानबूझ करके छोड़ा है तो उसकी नमाज नहीं होगी। और वाजिब जी अगर गलती से छूट गई है तो कोई बात नहीं, उसकी नमाज हो जाएगी, उसको सजदे सहू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मुक्तदी है। और सुन्नत का तो कोई मसला नहीं है, सुन्नत छूटने जी से नमाज हो जाती है। वाज़े। अच्छा, इसमें अगर जैसे रुकन छूटता है शेख, तो क्या वो उसको मुकम्मल करके सजदे सहू कर सकता है नमाज खत्म? जैसे हाँ देखिए, जैसे अगर नमाज आप में सूरह मुक्त फातिहा वो खड़ा रहा कियाम में, लेकिन सूरह फातिहा ही नहीं पढ़ा, वो कहीं हाँ और तो घूम उस रहा है। हाँ तो उस रकात को कल अदम मानेगा, उस रकात को कल अदम मानेगा। और जब इमाम सलाम फेर लेंगे तो वो सलाम, उनके साथ सलाम फेरने के बजाय वो खड़ा हो जाएगा, एक रकात और ऐड करेगा। जी, गर्चे उसने चार पढ़ लिया है इमाम के साथ, लेकिन वो हाँ जो लेकिन है वो पहली रकात रकात कल को अदम कल आदम होगी, मानने का। जिस जी जी रकात जी में रुकन छोड़ दिया है वो कल अदम होगी। जी जजाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह फिकुम।